नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन के एग्जाम से संबंधित। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन का एग्जाम काफी डिले हो चुका है और स्टूडेंट्स के मन में इसकी संभावना बनी हुई है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन एग्जाम अब होगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज महिला दिवस है और महिला दिवस के दिन आज सभी माता बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें और तरक्की करते रहें। एएस एकेडमी आप सभी के साथ है और था और रहेगा और जब तक और जैसे भी हमसे जो भी मदद बन पड़ेगी आपकी हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग तीन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल छोड़ दिया है। उनको पता है कि डेट पर डेट बढ़ती जा रही है और एग्जाम की कोई उम्मीद नहीं है। तो आपको बता दें कि जैसे कि आपकी जनवरी में था, जनवरी के बाद फिर उन लोगों ने कहा कि भैया ये मार्च में होगा, मार्च के बाद फिर पुलिस भर्ती की भी डेट बढ़ा दी गई तो पुलिस को अप्रैल में कर दिया। उसके बाद कहा कि वर्ग तीन की जो एग्जाम डेट होगी अब वो जून में होगी। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि अभी जैसे कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जैसे ही वर्ग एक और वर्ग दो की आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वर्ग दो वर्ग एक की, उसके बाद आपकी वर्ग तीन की संभावना बनती है। लेकिन अभी आपके नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, नगर निगम के चुनाव के लिए आपको अभी आचार संहिता तो नहीं लगी है, लेकिन यदि आचार संहिता लग जाती तो अभी आपके एग्जाम संभव नहीं है। लेकिन मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी कर लें और यदि आपने अपनी बेहतर तैयारी कर ली है तो आप उसको रिवीजन करते रहें। आप अपनी तैयारी को कहीं ना छोड़ें क्योंकि यदि आप अपनी तैयारी छोड़ देते तो कहीं ना कहीं इसमें आपका नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन में 10,000 पद समथिंग आएंगे और ये 10,000 पदों में आपको पता होगा कि इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना, चाहे एससी के हों, एसटी, ओबीसी, जनरल, कोई भी बच्चा हो, अदर स्टेट वालों ने फॉर्म भरा है, तो सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी को इसमें फाइट करना है क्योंकि इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं है। यदि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती तो हो सकता थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम होता, अपनी अपनी कैटेगरी में बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा और यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहें, तैयारी करते रहें, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी, भ्रामक खबर या गलत अफवाहों से बचें और थोड़ा सा उन चीजों को अवॉइड करें जो लोग आपको भ्रमित करते हैं और ऐसे लोग जो आपके लिए इस तरह की न्यूज दे रहे हैं कि अभी आपका वर्ग तीन एग्जाम होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल में वर्ग तीन का एग्जाम होगा, तो मैं बता दूं मार्च अप्रैल में तो वर्ग तीन का एग्जाम किसी भी हालत में संभव नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है तो मेरे से संपर्क करें, दिए गए नंबर 9111755039 पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। और देखिएगा क्लास भी मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन की आपको फिर से लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन के लिए क्लासेस चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे मैं समझ पाऊं कि कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं पढ़ने के लिए, जिससे अपन फिर से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग तीन की एग्जाम के लिए क्लासेस लगा सकें। ठीक है, तो डेली क्लासेस अपन फिर से स्टार्ट करेंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ध्यान रखो, पढ़ते रहो, अच्छे से रहो और मेहनत करो क्योंकि अब ऐसा है कि लास्ट चांस है, जो कुछ भी है यही है आपका वर्ग तीन, इसके अलावा ना तो वर्ग दो है ना वर्ग एक है और आने वाले समय में कब वैकेंसी आएगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, आप लोग ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और कोई परेशानी है तो बताओ, मैंने पहले ही बता चुका आपके लिए और ये एकेडमी आपके लिए डेली क्लासेस प्रोवाइड करता रहा है और करता रहेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात थी कि मेरे को आपको सिर्फ इतना बताना था कि आपकी जो एग्जाम है डेट वो भी है जून में नहीं हो पाएगी तो जुलाई के समथिंग हो सकती है। लेकिन अभी आपको तैयारी करना है, तैयारी पे अपना पूरा फोकस करना है और अपनी पढ़ाई को इससे मजबूत बनाना है, इस तरीके से करना है कि पेपर कितना भी टफ आए आप अभी पेडागोजी के पोर्शन को अच्छा कर सकते हैं तो पेडागोजी के पोर्शन को भी अच्छे करते रहें जिससे आपको आने वाले समय में कोई परेशानियां ना हो। साथ में आपको DSSB की भी भर्ती आ रही है, KBS की भी, इन सभी की तैयारियां भी करते रहें तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट इस तैयारी का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और कल हम फिर मिलेंगे।